अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर आज जो है हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। ये सेकंड लेक्चर है लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान का। इसके अलावा जितने भी लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं प्लेलिस्ट के अंदर। अब यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है, इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ, कि यहाँ पर जो लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है हमारा, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, वो आया कहाँ से। पहला टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अब ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें ऑफ लीगल सिस्टम, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इट इज़ बेस्ड ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ। लेकिन अब अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात हो रही है, तो यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले ये जो लीगल सिस्टम है ये अराइज कहाँ से हुआ, ये अराइज होता है हमारे पास ब्रिटिश पीरियड से। कहाँ से आया? ब्रिटिश पीरियड से। अब ब्रिटिश पीरियड से जब ये आया, अब ब्रिटिश पीरियड से आने से पहले अगर हम देखें तो ये आया मुस्लिम पीरियड से। ठीक है, सेकेंडली मुस्लिम पीरियड से भी अगर मुस्लिम पीरियड के अंदर क्या होता कि उस टाइम पे जजिस वगैरह नहीं होता, उस टाइम पे काजी सिस्टम होता था। ठीक है, उससे भी प्रीवियस अगर हम चले जाएं तो वो हमारे को मिलता है हिंदूज पीरियड। अब हिंदूज पीरियड सबसे पहले शुरुआत कहां से, हिंदूज पीरियड से। उसके बाद आया मुस्लिम पीरियड, उसके बाद आया ब्रिटिश पीरियड। सही है। अब जो हिंदूज पीरियड है, हिंदूज पीरियड का जो लीगल सिस्टम था ये बेस किस पर करता था, उनकी जितने भी रिलीजियस बुक्स थे उन पर। अगर हम उनके रिलीजियस बुक्स को देखें तो हमारे पास कौन कौन से रिलीजियस बुक हैं, जिस तरीके से हमारे पास है वेदास, और इसी के साथ साथ हम देखें तो हमारे पास है धर्म सूत्र। अब इनका जो लीगल सिस्टम था हिंदूज पीरियड का, तो ये बेस किस पर करता था, ये बेस करता था धर्म सूत्र और जो है वेदास पर। वेदास चार काइंड्स की होती हैं, ये हमने प्रीवियसली पढ़ा था। अब उसके बाद आया मुस्लिम पीरियड। जब मुस्लिम पीरियड आया तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मुस्लिम पीरियड टोटली बेस्ड था किस पर, मुस्लिम पीरियड जो है टोटली बेस्ड था हमारे पास जो हमारे पास रिलीजियस बुक है, जिस तरीके से कुरान पाक और सही हदीस। ठीक है, अब कुरान पाक और सही हदीस के अकॉर्डिंग जो है मुस्लिम पीरियड चलता था, और जो है मुस्लिम पीरियड में जब भी कोई चीज़ आती थी तो वो जो है अकॉर्डिंग टू द कुरान होती थी, और जो भी पनिशमेंट होती थी वो भी अकॉर्डिंग टू द कुरान होती थी। अब पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो तकरीबन प्रोविजन्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के, वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान इज़ द इस्लामिक स्टेट, और इस इस्लामिक स्टेट के अंदर कोई भी जो है ऐसा प्रोविजन नहीं होगा जो कि अगेंस्ट इस्लाम होगा। सही है, और जितने भी हमारे पास पनिशमेंट है पीपीसी को अगर हम उठाएं तो पीपीसी के अंदर जो है अलग से सेक्शंस मौजूद हैं, किसके लिए अलग से सेक्शन मौजूद है, फॉर द इस्लामिक प्रोविजंस। इट मींस के जिस तरीके से जिसे हम कहते हैं हुदूद ऑर्डिनेंस। सही है, अब हुदूद ऑर्डिनेंस जो है वो क्या कर दिया गया, पीपीसी के साथ मर्ज कर दिया गया। अगर आप देखेंगे हिस्ट्री को उठाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो आईपीसी है और हमारे पास पीपीसी है, हो सकता है कुछ इंडियन व्यूअर्स मुझे सुन रहे हो, तो आईपीसी और पीपीसी का सिर्फ नाम का फ़र्क है। आईपीसी मीन इंडियन पेनल कोड, पीपीसी मीन्स पाकिस्तान पेनल कोड। दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ डिफरेंस ये कि यहाँ पर इस्लामिक प्रोविजंस है। इस्लामिक प्रोविजंस कैसे, हुदूद ऑर्डिनेंस को इन्होंने मर्ज कर दिया, और जितनी भी पनिशमेंट्स थी उस पनिशमेंट्स को इन्हेंस कर दिया एज़ पर इस्लामिक पनिशमेंट्स। फर्दर अगर बाकी जितने भी सेक्शंस है वो सारे के सारे सेम ही है। फर्दर अगर हम देखें, फिर आया ब्रिटिश पीरियड, तो ब्रिटिश पीरियड जो है वो यूके कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर बेस करता था। फिर उसके बाद जो है प्रेजेंट में हमारे पास जो है इट इज़ बेस्ड अपॉन द इंग्लिश कॉमन लॉ। सही है, तो ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। फर्दर सेकेंड टॉपिक है हमारे पास, वो है रोल ऑफ लेजिस्लेचर। सेकेंड टॉपिक क्या है, रोल ऑफ लेजिस्लेचर। अब ये लेजिस्लेचर क्या है, लेजिस्लेचर मींस लॉ मेकिंग। लेजिस्लेचर मींस लॉ मेकिंग सिंपली। अब कानून साज इदारा कौन सा है, कानून साज इदारा हमारे पास है प्रोविंशियल असेंबली। अगर प्रोविंस के अंदर कोई भी
प्रोविंस को राइट दे दिए गए कि आप जो है अपने लॉज बना सकते हैं। सिंध का अगर कोई राइट दे दिया कि भाई आप सिंध के लिए कोई राइट, जिस तरीके पोलियो के कतरे वगैरह के लिए, अगर एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, तो कानून साज इदारा जो है वो हमारे पास प्रोविंस के लिए कौन सा है, प्रोविंशियल असेंबली। ठीक है, अब आते हैं कुछ वर्ड्स की तरफ। हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं MNA, ठीक है, और हमारे पास एक वर्ड है MPA। अब इसकी अगर हम फुल फॉर्म देखें तो MNA की फुल फॉर्म क्या है, MNA की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, MPA के मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। प्रोविंशियल असेंबली का जो मेंबर होगा उसे हम कहेंगे मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, और मेंबर ऑफ जो नेशनल असेंबली का मेंबर होगा उसे हम कहेंगे मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। अब मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली का जो हेड होता है वो कौन होता है, CM, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, और उसके साथ साथ एक होता है गवर्नर। अब ये गवर्नर क्या होता है, गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, इट इज ही इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ प्रोविंस। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ प्रोविंस, गवर्नर जो है हमारा एक प्रोविंस का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, सही है। अब ये रोल ऑफ लेजिस्लेचर क्या है, ये कानून साज इदारा जो है कानून पास करता है, कानून साज इदारा कानून पास करता है ताकि जो है फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो, या फिर जो है कानून साज इदारा इसलिए कानून पास करता है ताकि अमन कायम कर सकें सोसाइटी के अंदर। अब लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को समझने क्यों ज़रूरी है, आप LLB के अंदर आएँ, आप जो है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, आपको इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान का लीगल सिस्टम है वो बेस किस पर करता है। पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं CPC, CRPC, PPC, ये मेन सब्जेक्ट्स हैं, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको टिल डेथ, इट मीन्स एडवोकेट में अगर आप आते हैं, जज बनते हैं, या अगर आप लीगल लाइफ में आते हैं तो आपको टिल डेथ जो है ये चीज़ें साथ लेके चलेंगी। कौन कौन सी, कानून शहादत, हद ऑर्डर, और जो है हमारे पास CRPC है, CPC है, और जो है पाकिस्तान पेनल कोड, ये मेन सब्जेक्ट्स हैं। अब आप कहेंगे कि ये मेन सब्जेक्ट्स तो हमें नाम ही नहीं सुने, तो ये आप आगे चल के पढ़ेंगे थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में, और जो है फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर में, लास्ट ईयर में, सही है। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं ना, जितने भी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको एंड तक याद रखने हैं। किस क्यों क्योंकि ये मेन चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको यही नहीं पता रोल ऑफ लेजिस्लेचर क्या है, अगर आपको यही नहीं पता कि जो है हमारे पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहाँ से आया, अगर आपको यही नहीं पता लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान बेस किस पर करता है, अगर आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का नहीं पता, तो फिर लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को समझने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी इसके अलावा जितने भी प्रीवियस पास पेपर थे वो जो है मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। थैंक यू, डेट्स ऑल।